हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो भी प्लांट की शॉपिंग की है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं नर्सरी से कौन से प्लांट खरीद के लाई हूँ और कौन से मैंने ऑनलाइन बाय किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो सकुलेंट का प्लांट, जो मैंने छः प्लांट सकुलेंट के मैंने बाय किया है, ऑनलाइन बाय किया है, पर प्लांट मुझे 150 का पड़ा है। और ये पांच टाइप का मैंने मंगवाया है। जो मेरा ये पहला प्लांट, फर्स्ट टाइम ही मैं खरीद रही हूँ। मुझे सकुलेंट का इतना वो नहीं है, लेकिन देख के चलो मुझे भी थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने पांच छः प्लांट मैंने बाय किया है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, तो ये है मेरा नर्सरी से खरीदा हुआ प्लांट। जो मैंने दो प्लांट खरीदा है, जिसको बोलते हैं ऑल स्पाइस प्लांट, मैंने की जिसको ऑल स्पाइस प्लांट मैंने सर्व सुगंधा नाम का जो ये प्लांट है, जो ज़्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दो प्लांट मैंने उसके खरीदा है और साथ में एक मैंने खरीदा है रात रानी का। और एक प्लांट मैं और खरीद के ले आई हूँ, जो ये है सोन चंपा। मैंने आपको पहले सीड्स और मेरे प्लांट के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक प्लांट, क्योंकि 50 रुपीस का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया है। और ये भी 50 का है, ये भी दोनों 50-50 का है। ऐसे मिला कि मुझे बहुत कम रेट में मिला है, सो मैंने खरीद लिया इसको। अब सर्व सुगंधा के बारे में मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से कि इसके जो सीड्स हैं वो देखने में तो जैसे ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च की तरह दिखता है, और उसमें दालचीनी, लौंग और वैसे कई सारे मसाले का उसमें टेस्ट हैं, इसीलिए उसको ऑल स्पाइस प्लांट भी बोलते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलिए इसको लेके आई हूँ मैं। और इसके बारे में भी मुझे जैसे जैसे मैं उसकी केयर करूंगी और वो बड़ा होता जाएगा, तो मुझे उसके बारे में जानकारी भी अच्छे से मिल जाएगी कि उसको क्या चाहिए। वैसे भी उसको धूप ज़्यादा चाहिए, लेकिन 30-30 से अप जब जाता है इसका टेम्परेचर, तो थोड़ा बहुत इसको नुकसान होता है। तो और कहा जाता है कि जितने भी जो स्पाइसी मसाले जो हैं वो सारे साउथ इंडिया में होता है, उसकी खेती होती है, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो उनके हिसाब से सही है, इसीलिए सारे मसाले की खेती साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है। तो हम भी रखे हैं, चलिए जैसे जैसे हमारे पास रहेगा तो उसके बारे में हमें भी इसका नॉलेज हो जाएगा। वैसे मसाले में मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब मेरे पास तो एक ये हैं, ये मेरा जो पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ये प्लांट है मेरा ये तेज पत्ते का। तो तेज पत्तों में भी आप देखिए, ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट हो चुका है। अभी मैंने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। और दालचीनी का भी है, लेकिन वो इतनी ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है। और ब्लैक पेपर का भी, तो इस तरह मसाले का भी प्लांट मैंने रखा है, लेकिन सबसे अच्छा ग्रोथ इसी का मुझे मिला है और बहुत ही बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो और ये तो आप देख ही चुके हैं, मेरी छोटी इलायची, ग्रीन इलायची, जो भी उसको रिपोर्टिंग करना है। और तो इसी तरह कोशिश कर रही हूँ
कि मसाले का प्लांट भी अपने पास रख के उसकी अच्छे से केयर कर सकूं और अच्छी सी देखभाल करके उसका रिजल्ट अच्छा आए, उसी कोशिश में मैं भी लगी हूँ। तो चलिए, ट्राई किया है कि थोड़ा बहुत जो नहीं हो सकता है उसको भी करने की कोशिश की है मैंने। किसी किसी में तो सक्सेस हुई हूँ, किसी में शायद तक नहीं भी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, शायद आपको पता नहीं है कि हमारे को ये ट्रांसफ़र होने के बाद सारा यहाँ से या इधर से उधर ले जाना पड़ता है। तो सोच समझ के हम थोड़ा प्लांट को बनाते हैं, बहुत हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिसाब से फिर भी अब बना ही लिया है हमने गार्डन, तो कुछ ना कुछ तो फिर आ ही जाता है और शौक भी होता है। तो चलिए, फिर इसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने छोटी सी शॉपिंग की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी।